बात हो रही थी कि आप आ गई फिर जर्नलिज्म में, किस दौर में आपने ज्वाइन किया मीडिया? मैंने ओफो, इससे तो लोगों को मेरी सही उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 2008 में स्टार्ट किया था और मैन विल ऑलवेज बी मैन जी। उस वक्त जो है ना, मैं पढ़ रही थी। चूंकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि बड़ी संजीदा, तो वैसे मैं बिल्कुल संजीदा नहीं रही कभी। हाँ, मैं काफी ज्यादा वैसे हंसी मजाक करती रही हूँ, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है, मैं इसको पता नहीं एक कॉम्प्लीमेंट लूँ या समझूँ कि शायद ऐसे ही कह रहे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। लेकिन ये है कि वो विद टाइम अब वो एक ऐसा, हर वक्त हम पॉइंट आउट ऐसे कर रहे होते ना गुस्से में, ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो वो ऐसा एक डिपिक्शन हो जाती है आपकी पर्सनालिटी की, जैसे आप बड़े कोई संजीदा और बड़े कोई मुश्किल किस्म के, पेचीदा किस्म के हैं, बोर आदमी है बेसिकली। 2008 से न्यूज एंकरिंग स्टार्ट की। और मेरे इसमें पूछने का मकसद ये था कि ये वो दौर है जिस जमाने में पाकिस्तान बाकायदा एक जंग जो है वो लड़ रहा था मुल्क के अंदर भी, और साहब को पता है ब्लास्ट और ये और वो और सारा, तो उस ज़माने में आपको दिक्कत नहीं हुई कि भाई लाजमी बात है अगर आप न्यूज़ चैनल का हिस्सा होती हैं तो आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको हर जगह जाना भी है, तो खतरात का सामना निस्बतन ज़्यादा कर रहा था उस वक्त हमारे जर्नलिस्ट, हमेशा ही जर्नलिस्ट ने किया, तो फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? थोड़ी सी शुरू में थे उनके रिजर्वेशंस, और उनको लगता था कि स्पेशली जब मैं लाहौर में जब तक काम कर रही थी तो फिर भी वो लोग थे कंफर्टेबल के चलें ठीक है, और ज़्यादातर मेरा लाहौर में जो काम था वो इतना कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कम थी। लेकिन जब मैंने लाहौर में रहते हुए ही, आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया कि उस वक्त जो टाइम था वो था कि जब हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, और उस दौर में ऑपरेशन राह रास्त राह निजात स्टार्ट हुआ, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ मैं स्पेशल असाइनमेंट्स पे जाती रही, तो और वहाँ पर फिर मैंने उस दौर में रिपोर्ट किया, तो वो बड़ा डेयरिंग स्टेप था एक उस लिहाज से कि खातून आप हैं, और वो टाइम था कि जब बहुत बड़ी तादाद में आईडीपीज थे, बिल्कुल वो इलाके खाली करवा लिए गए थे, और बड़ा कम कोई खाल बंदा वहाँ पे मिलता था जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करते थे, तो बुनेर दीर बाजौड़ एजेंसी और इस टाइप की वो कहीं पे जी, तो वो कवर मैंने किए ऑपरेशन, और उसके बाद फिर वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना और सारा, तो उससे एक्सपोजर भी बहुत मिला सर्टनली, लेकिन उससे फिर थोड़ा सा पेरेंट्स भी होते थे, जाहिर कंसर्न होते थे कि ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये ना आप करो और इस तरह, लेकिन थोड़ा मेरे अंदर शुरू से रहा एक प्रॉब्लम, थोड़ा कुछ डिफरेंट करने का भी और थोड़ा चैलेंज करने का एक इशू है, चैलेंज थ्रिल, शुरू में तो थ्रिल भी होता है ना, जरा नौजवान होता है आदमी, तो पूरा कराची की भी तलाश भी है, दोनों चीजें। फिर मैं जब कराची ज्वाइन किया जियो चैनल, तो उस वक्त भी घर वाले बड़े अपने चैलेंजेस थे, क्योंकि वो दौर था जहाँ पे आपको लिटरली मतलब खौफ रहता था कि बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, टारगेट किलिंग्स हैं, और मतलब अभी भी मोबाइल स्नैचिंग, यस वो तो खैर अभी भी चल रही है, लेकिन ये कि वो एक अलग किस्म का माहौल था उस टाइम पे, तो उस वजह से भी पेरेंट्स काफ़ी थे कंसर्न, लेकिन फिर मैंने उनको भी कायल कर लिया कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी जब आप वॉर भी कवर कर रही थी, ऑपरेशंस भी कवर कर रही थी, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाफजे में रह गई हो, जिसे हम अपने प्ले राइटिंग के दौरान हम कहते हैं ना कि नैरोस्केप, कोई ऐसी चीज़ को आपको याद आती हो जो आप समझती हैं कि भाई शेयर की जा सकती है व्यूअर्स के साथ? जी ऐसा था, एक दफ़ा हम लोग गुजर रहे थे बुनेर के ही एक इलाके से, और रात का टाइम था, और चूंकि हमारा वो सारा कोऑर्डिनेट करके ही ट्रिप हुआ करता था जो हम लोग विजिट करते थे, तो आईएसपीआर के साथ, और तो उस वक्त हम लोग एक रोड से गुजरे और फिर एकदम हमें लगा कि कुछ फायर हुआ है गाड़ी के ऊपर या उसके करीब से गुजरा है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा आइडिया ये हुआ कि शायद किसी ने गलत फहमी में गाड़ी को देखा और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि ये तो गाड़ी मीडिया की है, तो इसलिए कुछ रोकने के लिए वो फायर हुआ, लेकिन वो फिर बाद में नॉर्मलाइज हो गया। और फिर उसी टाइम पे उसी ट्रिप में एक मैं होटल में रही, होटल तो उसको क्या कहूँ मैं, बस कुछ वीराने सी थी, और वहाँ पर बाकायदा मतलब वो शीशे टूटे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले टीटीपी के दहशतगर्द रह चुके हुए थे, तो वहाँ पर बाकायदा शीशे टूटे हुए थे और कुछ जगह कुछ वॉल्स के ऊपर ब्लड के भी निशान थे, तो वो भी देखा। फिर एक जगह पे हम लोग गए तो वहाँ पर पीछे
बाकायदा लाशें पड़ी हुई थी, उससे पहले ही कोई ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था, और फिर उसके आगे खड़े होकर भी मैंने वहाँ पे अपने जो भी रिपोर्टिंग थी उस तरह। तो ये सारे काफ़ी डेयरिंग किस्म के वो थे जो मुझे याद आ रहे हैं कि उस वक्त हालात ऐसे होते थे कि आपको पता नहीं होता था कि आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं पर कुछ भी हो सकता है। हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ इंसान की जिस्म पर, उसकी नफसियात पर असरात होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो सब कुछ आपने जो कवर किया, आपने देखा, उनमें लाशें भी थीं, उसमें मिजरीज भी थीं, उनमें IDPs हमारे किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हम लोग निस्बतन जो सहाफ़ी हजरात होते हैं वो आम आदमी से ज़्यादा जो ज़िंदगी के दुख हैं वो रोज़ाना देख रहे होते हैं। कितने असरात उन दुखों के, उन मिजरीज के शख्सियत के ऊपर पड़ते हैं, रवैये पर पड़ते हैं? मेरा ख्याल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उसको तारी कर लेते हैं, और कुछ लोग यूज टू हो जाते हैं विद टाइम कि रोज आप एक चीज देख रहे होते हैं ना, तो जैसे अब ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हजरात हैं वो अब उस तरह मरीज को नहीं देख रहे होते कि ये मरीज एक जीता जागता इंसान है। वो उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट सा बन जाता है, ऑब्जेक्ट सा बन जाता है। वो काम के लिए भी जरूरी है, उसको आप उसके प्रोफेशन की जरूरत कह लें, तकाजा कह लें, नेगेटिव वे में आप कहना चाहें तो बेहिसी कह लें, तो मैं ही कह रहा हूँ कि आप कैसे देखती, फर्क पड़ा? कितनी समीना पाशा मुख्तलिफ होती है अगर ये सब कुछ न देखा होता। मेरे ख्याल से मैं बुनियादी तौर पर वैसे थोड़ी सेंसिटिव भी हूँ और इमोशनल भी, बहुत ज़्यादा शुरू में तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी। अब विद टाइम जैसे जाहिर है आपकी एज होती है, आप थोड़े ज़्यादा लाइफ की तरफ प्रैक्टिकल होते चले जाते हैं। कौन से ऐसे वाक्य ऐसी चीज़ें जो आज भी आपके हाफ़िज़े में रहता हो? अच्छा, अभी 15 बरस हो गए, मैं भूलती नहीं। जब APS का वाकया हुआ था वो तो बहुत तकलीफ दे था, और जी हालांकि बहुत सारे ब्लास्ट मैंने कवर किए, तो जब स्टूडियो में हम कवर कर रहे होते थे तो एक आध के बाद फिर हम लोग थोड़े से यूज टू हो जाते थे, क्योंकि वही खबरें आप कर रहे होते थे तो हमें फिर हम रूटीन पर उस पे आ जाते थे। और कसरत से हो रहा था जी, और डेलिब्रेटली भी मैं कोशिश करती थी कि बहुत ज्यादा आवाज पे सवार ना करूँ। लेकिन जब APS हुआ था तो उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ थी, क्योंकि हर माँ को जब देख रहे थे, जो आप एक एक स्टोरी देख रहे थे और इसी तरह से मिलते, तो उस वक्त मुझे याद है कि बहुत ज्यादा जहन पे परेशान रही मैं, और मतलब सोते में भी बाजूकात आप होता है कि आपके नींद नहीं आई। जी बिल्कुल, आप सो के अगर उठे भी तो आपको लगता था कि आप सोए ही नहीं है, ऐसे एक जहन पे बोझ और दिल पे बोझ रहता था, और आपको बाजूकात बात करने में दिक्कत होती थी, गले में ऐसे आंसू आ जाया करते थे। तो उस वाकये ने बहुत इस कौम ने वैसे कितनी समीना कुर्बानियां दी है ना, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लोगों ने। वो मुझे अभी जो आप बात कर रही थी, वो जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, तो इसी जो हमारे लोग हैं, मुझे एक शेर उसमें मैंने कहा था कि खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में जिंदगी दुश्वार थी। बस हमारे पाकिस्तान पर रहम करे, और जितने भी मामलात हैं आपसी, उनको हम सब मिलकर खुश उसलूबी से बैठकर डायलॉग के ज़रिए हल करना सीखें, और फिर मिलजुल के, जैसे कहते हैं ना, कि आगे बढ़ सके, और 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों में को आसानी, को सुख, को खुशी के लम्हात जो हैं।